हर मुश्किल को आसान बना देंगे। छोटी कहानियों की क्या विशाल जो आपको हिला देंगे। थक कर बैठ जाते हैं जो मंजिल से पहले, आप और हम बुलंद हौसलों के बल पर पूरी आसमां को झुका देंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी शायर की ये चंद पंक्तियाँ आज के परिदृश्य में सार्थक सिद्ध होती हैं। इस समय दुर्गा जी का त्यौहार भी चल रहा है, रामनवमी भी आ गई है, हिंदुओं की पवित्र आस्था का केंद्र जिसको हम लोग हिंदी बाजार के नाम से जाना जाता है, इसको पूर्व में उर्दू बाजार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान शीतला माता देवी का मंदिर है। आज यूपी एक्सप्रेस की टीम अपने कैमरामैन के साथ शीतला माता के मंदिर में आई है, पुजारी जी उपस्थित हैं। आइए, इस मंदिर का क्या महात्म्य है, क्या इसकी प्रसिद्धि है, आइए आपसे रूबरू होते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपना संक्षिप्त परिचय दें, आपका नाम क्या है? मैं संतोष सदस्य शीतला माता मंदिर पुजारी। सर, इस मंदिर की स्थापना के बारे में सूक्ष्म रूप से विस्तृत रूप से आप व्याख्या करें। स्थापना का कोई विशेष निर्णय नहीं है, लेकिन जहाँ तक जानकारी है, अमर शहीद 1857 जिनकी फांसी 8 चौराहे पर लगी थी, उनके द्वारा ही माता जी का मंदिर का स्थापना हुआ है। और 26 नवंबर 1885 को यहाँ पर इस मंदिर का विस्तार हुआ। अब पहले यहाँ पर मछली बिकता था, दुनिया भर के पतंगे और कूड़ा कबाड़ करते थे, तो हमारे पिताजी 1885 में यहाँ पर सरकार जनगण कर्जा करके और सब कुछ जागरूक करके यहाँ पर ये माता जी का मंदिर, जिससे ये छोटा सा जो मटिया था वो मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे कि शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि करता है यहीं से। और अब देखिए, इसी नवरात्र में 56 को लगता है पंचमी को, उसके बाद नौमी के दिन भगवान जी का जन्म होता है, और उस नवरात्र में भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। अष्टमी की पाठ होती है रात्रि में, रात्रि में 12 बजे होती है और भोर में 5 बजे समापन हो जाती है। उसके बाद कन्या विवाह होता है, नौकन्या के रूप में यहाँ पे 50 से 55 नौकन्या खिलाते हैं, जितनी आ जाती है उतनी